अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो वीडियो मेरे कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के कहने पे मैंने बनाई है। मतलब जब मैंने वो हेयर एक्सटेंशन की वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें स्ट्रेटनर यूज़ किया था, तो सब लोगों ने देखा था वो 3-in-1 है। तो मुझे लोग कह रहे थे कि हमने भी 3-in-1 लेना है, तो आपका स्ट्रेटनर कैसा है? मैंने 2-3 लोगों को रिप्लाई कर दिया था कि बस नॉर्मल ही है, बस नॉर्मल ही है। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज रिक्वेस्ट में आए हुए थे जो मैंने देखे नहीं थे, मैंने रमज़ान से 2-3 दिन पहले देखे थे। लेकिन उस दौरान ये था कि सफाई वगैरह घर की कर रही थी मैं, और रमज़ान की जो सब तैयारियां थी वो चल रही थी, तो मैं वो वीडियो नहीं बना सकी। तो आज ही मैं थोड़ी सी फ्री थी कि इफ्तारी के बाद बच्चे सो गए थे, और फिर मैं पहले बाहर चली गई थी, फिर वहाँ से आई तो बच्चे सो गए थे, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो जी ये है जी मेरा 3-in-1 स्ट्रेटनर रोलर ड्रायर और स्ट्रेटनर रोलर क्रम्पर, ये तीनों है 3-in-1 है। ये मैंने लिया था अपनी शादी से 1 महीने पहले, मतलब ये मेरी ससुराल की तरफ से था, मेरे मेकअप के सामान में था, मैं खुद ही लेकर आई थी अपनी मर्ज़ी का। तो ये 3-in-1 है, ये देखें जी ये इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छी खासी इसकी लंबी सी तार है, और यहाँ से ये मूव हो जाता है जिस तरह मर्ज़ी, तार में बिल्कुल बल नहीं पड़ते। और ये जिसका स्ट्रेटनर है, दरमियान में करो तो ये रोलर चल पड़ता है, और यहाँ करो तो इसका क्रम्पर चल पड़ता है। फिर करते हैं जब ये दरमियान में होगा ना, हाफ बटन इस साइड से होगा और हाफ बटन इस साइड से होगा, तो ये हमारा रोलर चलेगा। जब हम फुल बटन उस तरफ कर देंगे तो हमारा स्ट्रेटनर चल पड़ेगा, जब हम फुल बटन इस तरफ कर देंगे तो हमारा क्रम्पर चलेगा। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये कंपनी का नेम है सोनेक्स, ये सोनेक्स का है। मेरी बहन के पास जो है वो शिनोन का है, उसने मेरे लेने से तकरीबन साल बाद लिया था, और एक मेरी कज़न के पास भी है, अभी मैंने उसको मैसेज किया हुआ है कि वो भी मुझे इसका रिव्यू दे। तो मेरी बहन का रिव्यू आ गया, वो कहती है शिनोन का जो है ना वो उसका रोलर बहुत अच्छा है, और मेरी कज़न ने भी मुझे बताया, मैंने भी इसको कॉल की थी, उसने भी मुझे बताया कि रोलर बहुत अच्छा है, और मैंने उसको कहा है कि जो स्ट्रेटनर जिस नाम का है वो मुझे सेंड कर दे। तो चले जी इसको गर्म करते हैं। अच्छा जी, गर्म ही हो चुका है, मैंने स्मेल किया, थोड़ी सी स्मेल आ रही है। तो सबसे पहले ना हम इसका स्ट्रेटनर चेक कर लेते हैं। स्ट्रेटनर वैसे मैं आपको पहले भी चेक करवा चुकी थी, जब आपने स्ट्रेट करने ना तो आपने इसके सेक्शंस बना लेने हैं, फौरन इकट्ठे ऊपर ऊपर से नहीं होंगे, सेक्शन बनाएंगे और साथ साथ आप कॉम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे स्ट्रेट होंगे। चलिए जी इसको पहले स्ट्रेट करते हैं। इसको बंद जो है ना वो आपने अच्छे से करना है, कॉम में पकड़ लेती हूँ, नीचे से कॉम करती हूँ ताकि बाल मिले ना, इस तरह से आपने इसको पकड़ना है, स्ट्रेट करना है। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है यूज़ करते हुए, क्योंकि मेरे बाल ना की जगह मेरा मुंह से सड़ जाता होता है। एक दफ़ा मैंने यहाँ लगाया था, एक दफ़ा मैंने पीछे गर्दन स्प्रे है, तो स्प्रे कर लें। चले जी इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए इधर, और मैं इतनी दूर लगा कर रही हूँ। चेक करते हैं, क्रम्पर मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले किए थे, ऐसे ही मैं घर में बैठी हुई थी, फारिग थी, कोई काम नहीं था, मैंने कहा चलो बाल ही क्रम कर लेते हैं, तो मैंने जी बाल क्रम किए थे तब, और एक अब करने लगी हूँ। ये देखिए आपके सामने है, ज़्यादा देर में नहीं रख रही, बस दबा कर और इसको 5 सेकेंड बाद हटा रही हूँ। ये देखिए, तो मैं आपको एक इसका अच्छा सा एक मशवरा देती हूँ कि जब आपने अपने बालों को करना है ना जूड़ा, जिनके बाल पतले हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अपने बालों को इस तरह से क्रम करके और फिर उसका वो जूड़ा करें, तो वो जूड़ा बहुत खूबसूरत। अच्छा मैंने ना वो वाले बाल हटा दिए, मैं इस साइड के मैंने जो स्ट्रेट मैंने किए थे ना उन्हीं को मैंने निकाल लिया है, तो मैं रोल करने लगी हूँ। अच्छा मैंने सुबह ही शावर लिया था, तो मैंने शैम्पू भी यूज़ किया हुआ, मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया हुआ है, इसलिए कुछ ज़्यादा ना मेरे अच्छे रोल नहीं डलेंगे और नॉर्मल से डलेंगे, और जिस तरह के डलेंगे ना तो मैं जी आपको चल गया मेरा, तो मैं जी आपको दिखा दूंगी कि मेरे किस तरह से रोल डलेंगे। ये जी इसको मैंने रोलर में फंसा के बालों को और सारे बालों को इसमें फोल्ड कर दिया है, और अब जी हम इसका वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है मुझसे हिल गया दोबारा, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेटनर को मूव कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे इसके रोल होने का, कि ये कितने टाइम लेगा रोल होने में, क्योंकि मैं जब करती हूँ ना तो मुझसे ज़्यादा इतना इंतज़ार नहीं होता, मैं कहती हूँ मैं ऐसे चीज़ को रखूँ, ऐसे खोलूँ और मेरा काम हो जाए। तो आज मैं आपको वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, क्योंकि ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसका ऑनेस्ट रिव्यू मिले, जो मेरी सिस्टर के पास और मेरी कज़न के पास जो इसका क्या कहते हैं रोलर है ना, वो दोनों कहती हैं हमारा रोलर बहुत अच्छा चलता है, या तो उसको तो इसको खोलते हैं अब।
ये ले जी, ये मैंने इसको खोल लिया है, और ये रहे जी इसके बाल, और जो सामने के है ना, सामने के मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब ये ना इसके साथ कोई अच्छा खूबसूरत कर्ल, ये देखिए ये बारीक सा लूज सा कर्ल लगता है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ इसमें, ये देखिए इसमें से ये ना येलो हुआ हुआ है। आपको पता है ये येलो क्यों हुआ हुआ है? ये इसलिए हुआ हुआ है कि जब मैं इसको फोल्ड करती थी ना अपने बालों में, तो उसके ऊपर मैं स्प्रे कर देती थी, तो जब खोलती थी ना तो अच्छे बाल होते थे कर्ल। तो मैंने भी स्प्रे यूज़ नहीं किया कि मेरा ये स्ट्रेटनर भी गंदा हो जाएगा और मुझे फिर वीडियो बनाने के फ़ौरन बाद शावर लेना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं अपने बालों पे ज़्यादा देर तक कर्ल रख सकती हूँ और ना स्ट्रेट रख सकती हूँ, और मुझे फ़ौरन ही हो जाता है कि मैं अब शावर भी ले लूँ। तो आगे से जी इसको थोड़ा सा हम जिस तरह मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि वीडियो छोटी बने, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने। अच्छा, जैसे जी ये बड़े बाल है ना, मैं सिर्फ ना हर जगह कहीं जाने आने के लिए ना तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, बच्चे भी होते हैं साथ, कि अपने बालों को प्रॉपर टाइम दे सकूँ। मैं सिर्फ अपने मेकअप को प्रॉपर टाइम दे देती हूँ। ये जी इस तरह से ना मैं इसको आगे से ना ब्लो ड्राई टाइप जिसे कहते हैं ना, वो वाला इस तरह से इसके साथ स्टाइल बना लेती हूँ। ये उलझ गए हैं बाल मेरे, फंस गए। इस तरह से जी मैं अपने बालों को आगे से स्टाइल दे लेती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए ये बहुत प्यारे से हुए रोल, और पीछे से बाल में कह रही हूँ चुन के निकाल लूँ, जो बहुत ज़्यादा ना कोई इतना फ्रेश ना हो, रफ सा हो। तो इनको लेके ना हम करके देखते हैं कि इससे हमारा क्या बनता है। रोलर में इसको डालते हैं, और इसको रोलर को हम जिस तरह मैंने अभी आगे फ्रंट के बाल किए ना, इस तरह करके देख लेते हैं, इसको घुमाना शुरू करते हैं। यह ना बहुत ज़्यादा हीट है इसकी, बहुत बहुत हीट है। आप लोगों ने इसको मुंह के साथ दूर रखना, इतने यहाँ पे धुएं निकल रहे हैं, इतने शायद नज़र आ रहे हैं वीडियो में। ये देखें कितने धुएं निकल रहे हैं इसके, बहुत ज़्यादा इसकी हीट है। आप लोगों ने बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है। हाँ, डल गए हैं, डल गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, हो गया कल। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, पुराने बाल सारे हटा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ठीक है जी, इस तरह से ही होंगे। अब कुछ और बाल भी लेते हैं, पीछे से निकाल देती हूँ एक और बाल जो ज़्यादा फ्रेश ना लगे। ये लें जी, इस तरह से मैंने ये वाला भी ले लिया बाल। इसको करते हैं पुराने पीछे पहले कर लेती हूँ ना, फिर इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चलें जी, ये वाला करते हैं। आपने ना इसको इस तरह से लेकर आना है, इस तरह अंदर की तरफ लेकर जाना है। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, आगे वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने। इसमें आप स्प्रे लगा लेंगे ना तो फिर इसने हिलना नहीं। किसी के पास सीरम वगैरह है वो लोग सीरम यूज़ कर लें तो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। ठीक है जी, अब जी इसको हम आहिस्ता 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 गोल गोल घुमाते हैं, और इसको फिर अब छोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये देखिए, मैं देखती हूँ पहले ये भी हो गए हैं कल। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पकड़ लूँ पहले, हाथ में नहीं आ रहे हैं। आ जाओ भाई, ये ले जी। ठीक है जी, ये जिस तरह से ये कर लोगे, वो जो दबा के छोड़ने वाला काम है ना, वो इसके साथ नहीं है। ठीक है जी, और एक और कर लेते हैं, अब हो ही रहे हैं तो बंदा कर ही ले फिर। ये ले जी, इसको दबा के छोड़ने वाला काम नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ। इसको आपने बस इस तरह से ना घुमाना ही है। ठीक है, ये देखिए, और कर्लर के लिए ना फिर मैं आपको बता रही हूँ, फ्रेश आपके बाल धुले हुए नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसकी तार का बड़ा फ़ायदा, जितना मर्जी इसको घुमा लो, इसकी वजह से ना इसकी तार आराम से मूव हो रही है, आराम से। हम ये ज़रूर देखा करें, वरना तार में ये बल पड़ जाते हैं और तार डैमेज हो जाती है। चलें जिसको आप खोलते हैं। ठीक है जी, ये लें जी, ये जिसका ये भी कर डल चुका है। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रोलर, स्ट्रेटनर और क्रम्पर दिखाया है। ये रहा क्रम्पर और स्ट्रेटनर मिक्स हो चुका है, ये रहा रोलर, ये रहा रोलर और ये रहा रोलर। ठीक है जी, उम्मीद है जी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी अच्छी लगी होगी, और
ये सब लोग कहते हैं कि जब भी आपको ये चीज़ की बताया करें, तो जब मैंने प्राइस बताया करें तो मैंने ये 4.5 साल पहले ख़रीदा था, अपनी शादी से 1 महीना पहले, तो ये मैंने 3,000 का ख़रीदा था। मेरी बहन का मुझे नहीं पता उसने कितने का ख़रीदा है, और मेरी अभी कज़न ने मुझे बताया उसने 1500 का उसने मुझे बताया उसने ख़रीदा था इतने का, ठीक है। उसने मेरी शादी के तकरीबन 6-7 महीने बाद ख़रीदा था। मेरी बहन ने कितने का ख़रीदा अब मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ना अब इंस्टाग्राम पे इसकी प्राइस 1500 तक ही आ रही हैं। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।